या गणेशोत्सवामध्ये हा जो आपण इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे हा खूप महत्त्वाचा होता आणि खूप युनिक आहे. खरं तर आत्ताचे जे सेशन्स झाले सरांचे खूप जास्त महत्त्वाचे आहेत लेडीजसाठी, मुलांसाठी. मे बी एवढी मॅच्युरिटी लेवल नसेल कळणार, पण महिलांसाठी तर खूप महत्त्वाचे होते. आता यापैकी जितक्या महिला आहेत, कोणाकोणाची मुलं इथे आहेत त्यांनी फक्त हात वरवा. बरं, आणि जेंट्समधून ओके. सर्वात आधी मी हे सांगते की निसंकोचपणे ऐकून घ्यायचं आहे. लाज वाटण्यासारखं आपल्याला काही नाही आहे. जर आपणच जर थोडंसं शायनेस दाखवलं, आपण आपल्या मुलांशी कधीही ओपनली डिस्कशन नाही करू शकणार आहे. तर स्पेशली मुलांसाठी आहे, पण घरी तुम्हालाही या गोष्टी डिस्कस करायच्याच आहेत. त्याआधी मी फक्त माझी माहिती देते. माझं नाव ॲडव्होकेट प्रीती सिंह परदेशी. प्रोफेशन माझं वकिली आहे, पण परिवार एन जी ओ आहे आमचं. आणि परिवार एन जी ओ थ्रू आम्ही बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज करत असतो. लीगलमध्ये पण आम्ही मोफत सल्ला वगैरे देत असतो. सर पण आम्हाला खूप मदत करतात, कराटेचे सर, की जिथे पण सेल्फ डिफेन्ससाठी आम्ही त्यांना मदत मागितली त्यांनी नेहमी होकारच दिलेला आहे. आजचं आपलं हे सेशन आहे गुड टच आणि बॅड टच. आता जी मुलं पूर्ण लक्ष देतील ना त्यांनाच खाऊ मिळणार आहे, ओके, आणि त्यांना एक मस्त मस्त गिफ्ट पण मिळणार आहे शेवटी, ओके. आता सर्वात आधी मी फक्त मुलांशी बोलते. सर्वांना बॉडी पार्ट्स माहिती आहेत ना? सर्व बॉडी पार्ट्स माहिती आहेत, ओके. आपल्या सर्वांना पण माहिती आहेत. मी परत एकदा सांगते, निसंकोचपणे आपल्याला हे सेशनमध्ये डिस्कस करायचं आहे, ओके. सो आपल्या बॉडी पार्ट्समध्ये चार स्पेशल बॉडी पार्ट्स आहेत आपले. इकडे इकडे लक्ष द्यायचं, लास्ट इकडे इकडे, पण इथे लक्ष द्या, ठीक आहे. स्पेशल बॉडी पार्ट्स चार आहेत. कोणते? तर तू येशील पुढे. तुझं नाव काय? सारा. आता आपल्या बॉडी पार्ट्सपैकी आपण शेवटपर्यंत हे लक्षात ठेवायचं की चार स्पेशल बॉडी पार्ट्स जे आहेत ते फर्स्ट काय? लिप्स. कुठे आहे लिप्स? ओके. सेकंड चेस्ट राईट. थर्ड बॅक बॉटम नको, बॅक बॉटम. लाजायची गरजच नाही आहे, हसायची गरज नाही आहे, ओके. सर्वांकडे आपले सेम बॉडी पार्ट्स आहेत राईट. आणि चौथं समोर ये, बिटवीन द लेग्स, ओके, दोन पायांच्या मधला पार्ट. हे चार आपले कोणते स्पेशल बॉडी पार्ट्स आहेत? थँक्यू. बस ह्या चार बॉडी पार्ट्सला आपल्या आई आणि वडील यांना सोडून कोणीही हात लावला तर तो आपण म्हणणार बॅड टच. आता मी हिंदीत सांगते, ज्यांना मराठी कळलं नसेल त्यांच्यासाठी. हमारे चार स्पेशल बॉडी पार्ट्स है जो अभी दिखाए गए. फर्स्ट लिप्स, दूसरा चेस्ट, थर्ड बैक बॉटम है, और फोर्थ क्या है? बिटवीन द लेग्स. गर्ल्स बॉयज का ये चार स्पेशल बॉडी पार्ट्स है. यहाँ पर अपने माता और पिता के अलावा किसी को भी हाथ लगाने देना नहीं है. उसे कहेंगे हम बैड टच, ओके. उसे हम क्या कहेंगे? बैड टच. सबको समझ में आ रहा है? अब ये चार बॉडी पार्ट्स को, स्पेशल बॉडी पार्ट्स को, माता और पिता के अलावा और एक इंसान हाथ लगा सकता है. वो कौन है? डॉक्टर. लेकिन वो भी कब? जब हमारे मम्मी या पापा कोई तो हमारे साथ रहेंगे. अगर हमारे साथ हमारे मम्मी या फिर पापा नहीं है और डॉक्टर ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो आपको नो कहना है, हाथ लगाने नहीं देना है. बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? या चार बॉडी पार्ट ला आई आणि वडिलांशिवाय फक्त डॉक्टर हे टच करू शकतील. पण कधी? जेव्हा जेव्हा तुमचे पेरेंट्स सोबत असतील, आई किंवा वडील, ओके. आता सर्विल आणि बॅड टच हे तुम्हाला शाळेत शिकवलेलं आहे का? सगळ्यांना शिकवलेलं आहे?
नाही, काही जणांचे मान नाही म्हणतात. ओके, बर. गुड टच म्हणजे काय? तू ये 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 हो, पण कोणता टच गुड आहे हे तुला शिकवलं? सांग बर. हिंदी सांगू का? मोस्टली हिंदी सगळ्यांना कळत. पण अगर किसी ने आपके सर पे हात लगाया तो ये गुड टच है. किसी ने सहलाया है, ये गुड टच है. अब इसके आगे किसी ने आपको जस्ट पास में लिया है, अब ये किसी ने, मतलब किसने, आपके माँ बाप, आपके टीचर, जो आपके बहुत करीबी है, सिर्फ उन्होंने अगर आपको ये किया है सिर्फ यहाँ तक तो ये है गुड टच. बट किसी अजनबी इंसान ने, जिस जो आपको पता नहीं है, उसने अगर आपको यहाँ पर भी हाथ लगाया है तो ये है बैड टच. अब दूसरा, किसी ने आपको नॉर्मल में इस तरह से किया है तो ये क्या है? ये गुड टच है. ओके, लेकिन किसी ने भी मम्मी पापा के अलावा ये किया है तो ये बैड टच है. ठीक है. दूसरी जरूरी बात कौन सी है? हमारे चार स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ पर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की है तो वो है बैड टच है. अब तीसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि शोल्डर के नीचे, यहाँ से नीचे, मम्मी पापा, भैया, दीदी, इनको छोड़ के, और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, नानी, नाना, दादी, दादा, इनको छोड़ के किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो वो है बैड टच. बस में है, स्कूल वैन में है, स्कूल के पोर्च में है, सोसाइटी में है, कहीं पर भी है, जहाँ पर आपके माता पिता आपके साथ नहीं है उस वक्त, लेकिन किसी ने ये कोशिश की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जोर से आप नो बोलोगे, चिल्लाओगे, जैसे सर ने भी बताया था, और वहाँ से भाग जाओगे. भाग के आप कहाँ जाओगे? अगर आप स्कूल में हैं तो आप सबसे पहले आपके क्लास टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास जाओगे. ओके, अगर आप सोसाइटी में हैं तो तुरंत से आप घर में जाओगे. मैं यहाँ पर अभी माता पिता के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हम क्या कर रहे हैं, कोई भी घर पर आता है और हम, हमारे संस्कार होते हैं कि पैर पढ़ो या फिर गले मिलो, लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं फॉलो करते हैं तो हम फटाक से क्या बोलते हैं, हमने कहा ना पैर छूने तो छूने हैं. तो राइट टू से नो, ना कहने का हक उनको है और उनको वो हक दीजिए. आप हर कोई, वो क्यों ना कह रहे हैं वो पूछिए, बाद में डिस्कस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है उस ना के पीछे. और आप बच्चे लोग, जो टच आपको खुशी दिलाता है, जो टच किसी ने भी टच करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा गुड टच होता है. लेकिन कहाँ? शोल्डर से और बैड टच कहाँ है? शोल्डर से नीचे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मुझे आप ये बताओ, आपके सबसे ज़्यादा करीबी कौन है सबके? मम्मी पापा. उसमें से भी किसी के मम्मी होंगे, किसी के पापा होंगे. आपको ये करना है कि जिस भी दिन, जिस भी वक्त ये आपको अनुभव आएगा कि किसी ने आपको बैड टच करने की कोशिश भी की है, तो आप तुरंत से आप उस इंसान को, मतलब मम्मी या पापा को, जो भी है, तुरंत से आप बताओगे. आप वेट करोगे क्या? कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, आपको वेट करना है क्या? एक को, अब हम उसको सीक्रेट कोड क्या बोलते हैं? जब भी हम सेशंस लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ में एक, हमारा एक बॉडीगार्ड होता है, या तो वो मेरे पापा होंगे या तो वो मेरी मम्मी होगी,
तो आपको आपके बॉडीगार्ड को जाके बताना है, जो भी हुआ है उसमें डरने की बात नहीं होती है। अब तीसरी और जरूरी बात, कोई अगर आपको कहेगा ध्यान दो, प्राइज नहीं मिलेगा जो ध्यान नहीं देगा, या फिर अभी खाऊ नहीं मिलेगा आपको जो ध्यान नहीं देगा। किसी ने अगर आपको कहा कि जाओ और वो बच्चे का जाके फोटो निकाल के आओ, जब वो टॉयलेट में होगा, जब वो वॉशरूम में होगा, जब वो कपड़े बदलता होगा, तो हमने वो चीज करनी है क्या? नहीं। किसी को हमारे फोटोज निकालने देने हैं क्या? नहीं। किसी को हमारे बारे में हम कब नहाते हैं या फिर हम कब कहाँ पर जाते हैं ये सारी बात बतानी चाहिए क्या? नहीं। और सबसे मेन जरूरी बात ये है कि अगर कोई आपको बोलता है कि आप ये करो, ऐसी ऐसी चीजें करो, लेकिन घर पे मत बताओ, तो आप घर पे बताओगे या नहीं? बताएंगे। बताना ही है, लेकिन उस वक्त वो जो भी बात कर रहा होगा उससे कुछ भी नहीं कहना है और कुछ भी नहीं करना है उसके हिसाब से, ठीक है?